स्पिरिचुअल मंडे में आज एक बार फिर से सरिता सबरवाल आप सबका स्वागत आपका हर्षमर्दन करती है। उम्मीद करती हूँ इस प्रोग्राम को भी आप बड़े चाव से देख रहे हैं और कुछ न कुछ सीख रहे हैं। अध्यात्म की बातें होती हैं, स्पिरिचुअल बातें होती हैं और अपने मन को शांत हम किस तरह से कर सकते हैं उसके बारे में हमें बहुत सी जानकारी दी हमारे डिफरेंट डिफरेंट स्पिरिचुअल स्पीकर्स ने। आज एक बार फिर से मेरे साथ हैं स्मिता जयकर जी। स्मिता जयकर जी आपको याद होगा हार्ट टू हार्ट प्रोग्राम में मेरी मेहमान बनी थी और तब हमने बॉलीवुड से जुड़ी बहुत सी बातें की थी क्योंकि शी इज कंसिडर्ड टू बी अ ग्लैमरस मदर और इन्होंने बहुत से मदर के रोल किए हैं। फिल्म देवदास आपको याद होगा, हम दिल दे चुके सनम और ऐसी बहुत सारी फिल्मों में इन्होंने माँ का रोल बड़ी खूबी के साथ निभाया है। आज हमारे प्रोग्राम में है जिसका नाम है सोलफुल मंडे और सोलफुल मंडे में कुछ आध्यात्मिक बातें होंगी, स्पिरिचुअल बातें होंगी और उनसे कुछ सीखने को मिलेगा। इनका स्पिरिचुअल नेम है मधुरा जी, तो मधुरा जी का स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। मधुरा जी नमस्कार, कैसी हैं आप? वेरी वेल थैंक यू, बहुत अच्छी हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और लॉकडाउन अभी फिर से है और वही सिचुएशन है जो आज से 6 महीने पहले थी, तो कुछ भी अभी चेंज नहीं हुआ है, तो चल रहा है, घर में है, कुछ ना कुछ करते रहें, बिजी रहें, अपने मन को अपने शरीर को व्यस्त रखें तो समय अच्छा बीत जाता है। हाउ अबाउट यू? एक्चुअली यहाँ पे फिर से वो लॉकडाउन नहीं हुआ है जो उस वक्त था, जो मार्च से यहाँ पे नहीं हुआ है, ये आएगा, हमारे भी बारी आ जाएगी तो बारी बारी सबको इससे इस दौर से गुजरना होगा। खैर जैसे उन दिनों में होता था वैसे ही अब होगा। आई मीन वी विल हैव टू कीप अवरसेल्फ बिजी समहाउ और द अदर। फॉर अस व्हाट हैपेंस थ्रू, एज यू नो वी आर फ्रॉम मैत्री बोध परिवार एंड आवर मास्टर इज मैत्री दादाश्री जी, सो वी आर वेरी बिजी इन डूइंग अ लॉट ऑफ साधनास। तो ये टाइम हमारा अदरवाइज टाइम नहीं मिलता है साधना करने को, तो ये बहुत सा टाइम हमारा साधना करने में निकल जाता है। तो साधना करने में और बहुत सारी चीजें मैं आपके साथ जो शेयर करूंगी उन सब चीजों में हमारा टाइम निकल जाता है। हाँ, पिछली बार आपने मुझे हार्ट टू हार्ट प्रोग्राम में बताया था कि आप कैसे कनेक्ट हुए, जिन्होंने देखा उनकी याददाश्त हम ताजा करा देते हैं और जिन्होंने नहीं देखा उनको बता दें कि आप कैसे कनेक्ट हुए मैत्री परिवार के साथ। सरिता जी, मेरा जो स्पिरिचुअल ट्रैवल है वो है ऑलमोस्ट 30 to 35 years। फिल्म करियर और मेरा स्पिरिचुअल करियर साथ में शुरू हुआ। हालांकि लोगों को ऐसा लगता है कि अभी इसके पास कोई काम नहीं है तो ये स्पिरिचुअलिटी में आ गई, ये ऐसी बात नहीं है। मेरा तब से शुरू है ये सब, तब मेरी ध्यान धारणा चलती थी, मेरे ऊपर खुद मैंने बहुत सारे प्रोसेसेस किए थे, बहुत सारा चला। खैर होते होते अभी पिछले 8-9 सालों से मैं दादाश्री जी से जुड़ी हूँ। हमारा आश्रम है मैत्री बोध परिवार, हमारा आश्रम इन द सबर्ब्स ऑफ बॉम्बे, यू कैन से आउटसाइड सबर्ब्स, आउटस्कर्ट्स ऑफ बॉम्बे, करजत में, वहां पे हमारा आश्रम है। फाउंडर मेंबर इज मैत्रेय दादाश्री जी और अभी मैं उनके गाइडेंस के ऊपर चलती हूँ। ऑल ऑफ अस कनेक्टेड हियर, लॉट ऑफ पीपल आर कनेक्टेड हियर, तो ऑल ऑफ अस आर फ्रॉम मैत्री बोध परिवार। सभी जानते हैं कि आप स्पिरिचुअल स्पिरिचुअली बहुत एक्टिव हैं और स्पिरिचुअलिटी आप प्रैक्टिस करती हैं, मैत्री बोध के साथ जुड़ी हैं, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि स्पिरिचुअलिज्म आपकी निगाह में या आपकी सोच में क्या है, किसे आप स्पिरिचुअल कहते हैं? स्पिरिचुअलिटी इज नथिंग बट एज दादाश्री सेज बीइंग नेचुरल। दादाश्री जी सर, स्पिरिचुअलिटी इज बीइंग नेचुरल। नेचुरल का मतलब क्या, जैसी आप हैं वैसी ही रहिए। अभी हमको आदत पड़ गई है कि सोसाइटी में घूमना विथ मास्क ऑन, या हम जो है वैसे पोर्ट्रे करते नहीं है लोगों के सामने, मुखौटे डाल के हम अपने आप को पोर्ट्रे करते हैं लोगों के सामने। सो दादाश्री जी कहते हैं जस्ट बी योर सेल्फ। देर आर एक्चुअली बहुत डेफिनेशन है स्पिरिचुअलिटी के, वन ऑफ देम इज दिस व्हाट ही सेज। अनदर डेफिनेशन वो बोलते हैं कि स्पिरिचुअलिटी इज सिंपलर देन द वर्ड सिंपल। ये हमेशा बोलते रहते हैं कि एक्चुअली सिंपल रहना बहुत कठिन है, मुश्किल है सिंपल रहना, बड़ा चढ़ा के रहना, मुखौटे डाल के
चलना ये बहुत आसान हो जाता है, एक्ट करना बहुत आसान हो जाता है, लेकिन सिंपल रहना वो बहुत कठिन है एक्चुअली. जस्ट बी योरसेल्फ नेचुरल जैसे आप हैं. हम सभी बड़े अनअवेयर हैं, हमें पता नहीं चलता कि स्पिरिचुअलिटी एक्चुअली क्या है. करेक्ट. तो आपने बताया कि जस्ट बी योरसेल्फ, सिंपल रहें, सिंपलिसिटी इज द स्पिरिचुअलिटी, और जो है जैसे हैं आप वैसे ही बिहेव करें. ये नहीं कि कोई मकोटा पहन लें अपने चेहरे पर, कुछ है अंदर से आप डिफरेंट लेकिन दिखाते दुनिया को डिफरेंट है. सो वो काम ना करें. दैट्स व्हाट यू आर सेइंग. करेक्ट. एंड बेसिकली ये कैसे हो जाता है, ये कैसे, इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ बीइंग अवेयर. सरिता जी, द मेन डिजीज आई वुड से ऑफ ह्यूमैनिटी इज अनअवेयरनेस. ये लोगों को पता ही नहीं है कि ये ऐसे हैं. मेरा दर्द कहाँ पे, मैं बताऊँ आपको कि हमको पूरी दुनिया की जानकारी है, सब चीज की जानकारी है, लेकिन हम अपने बारे में कुछ नहीं जानते. लेकिन मेरे अंदर फीलिंग्स है जो मुझे बॉदर करते हैं, मैं हर्ट हो जाती हूँ. फीलिंग आते कहाँ से? आपके अंदर थॉट्स, जो माइंड में इतने थॉट्स चलते रहते हैं, आप थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर सकते. ये थॉट्स आते कहाँ से है? ये फीलिंग्स जो मेरे अंदर है उसको मैं डील कैसे करूँ? हर चीज से आप डील करते हैं, हर चीज सीखते हैं, लेकिन अपने आप से जूझते रहते हैं. ये फीलिंग्स के साथ मैं कैसे डील करूं? अगर मुझे किसी चीज के बारे में बुरा लगता है, अगर मैं किसी चीज से इरिटेट हो जाती हूँ, अगर मैं किसी चीज से जेलस हो जाती हूँ, तो मैं उसके साथ डील कैसे करूं? ये मालूम नहीं है किसी को. तो कैसे किया जाए? एग्जैक्टली. सो दे डोंट नो एनीथिंग. सो बेसिकली फर्स्ट थिंग आई विल से, बिकम अवेयर कि ये चीज मेरे अंदर है. दैट इज द फर्स्ट स्टेप. बिकम अवेयर कि ओके, मुझे आई कैन बिकम अवेयर कि मुझे गुस्सा बहुत आता है, मैं इसका क्या करूं समझ में नहीं आता. मुझे फ्रस्ट्रेशंस बड़ी आती है, आई डोंट नो व्हाट टू डू. मेरा माइंड इतना तेजी से चलता है, एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर, दिन भर मेरे माइंड में विचार 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 का चक्र है. मुझे समझ में नहीं आता क्या करूं. पहले एक्सेप्ट करिए कि ये मेरी प्रॉब्लम है, मुझे इसका हल चाहिए. हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते, हर चीज को कार्पेट के अंदर पुश कर देते हैं. देन इट बिकम्स फिजिकल ब्लॉक्स इन आवर बॉडी. फिर आपको बीमारियां आफ्टर 35, बिटवीन आफ्टर 35 ऑनवर्ड्स, ये डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड प्रेशर, ये बिन बुलाए मेहमान है, ये वेट ही कर रहे हैं कि आपके अंदर कब आ जाए. तो ये सारी चीजें आपको फिर भुगतनी पड़ती है, बिकॉज योर माइंड, यू डोंट नो हाउ टू हैंडल व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड. तो ठीक है कि मुझे मालूम है, आज मैं अगर आपसे कहूँ कि मधुरा जी, मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे रात को नींद नहीं आती, और आप मुझसे ये सवाल जरूर पूछेंगे कि क्यों नींद नहीं आती, क्या चलता है तुम्हारे दिमाग में. तो ऐसे ही हमारे बहुत से साथी होंगे जो इस वक्त इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, उनका भी ऐसा ही कुछ कंडीशन होगी, मेंटल कंडीशन की उनके दिमाग में. कभी काम चलता है, कभी घर की परेशानियां चलती है, कभी कोई बीमार है घर में, फैमिली में कोई बीमार है, उसके बारे में सोचते रहते हैं. सो ये अगर मुझे पता चल गया कि मैं क्यों परेशान हूँ, मुझे क्यों नींद नहीं आ रही है, is it because my daughter is not very well, ya my husband is not very well, to uski chinta jo hai wo satati isliye neend nahi aati. ab maine jaan liya ki chinta hai aur isliye mujhe neend nahi aayi, lekin ab is chinta ko main kaise dur karun, kaise mujhe neend aa jaye, uske liye mujhe kya upay karna. uske liye basically you have to connect with yourself, matlab your higher sacred self, your core. Or if you have a master, with your master. Any form of divinity, you have to connect with the source finally. Any form of divinity, jo aapko source ke saath connect kare, that is what is absolutely essential for you. So what is divine? Ji. What is divine and divinity? What is the difference? Kis tarah se explain karein? Aap kehte hain kisi master se ya kisi guru se, kisi ko apnaye. किसी से पता करें कि कैसे इसको हल किया जाए. तो सबसे पहले हम अपने सुनने वालों को, देखने वालों को ये बताएं, डिवाइन और डिविनिटी में क्या फर्क है, क्या है? डिवाइन एंड डिविनिटी इज द सेम थिंग. इट्स द सेम थिंग टू बी डिवाइन और डिविनिटी टू प्रैक्टिस. या डिविनिटी इज टू ब्लेस, इट जस्ट ग्रामेटिकली जैसे आप कैसे यूज करेंगे वर्ड, बट इट मींस द सेम थिंग. It means connecting to your higher sacred self. It means connecting to the source. अभी हमको ये यही मालूम नहीं है या हम इस चीज पे believe नहीं करते that divinity resides inside us. ये दूसरी unawareness है.
ये चीज है, आप माने या ना माने, आपके अंदर डिविनिटी है. जैसे एक एग्जांपल, आई डोंट नो इफ आई मेंशन्ड अबाउट इट लास्ट टाइम, जब बच्चा कोई पैदा होता है तो हम हमेशा बोलते हैं, अरे ये बच्चा ना उसके माँ के जैसा दिखता है, ये बच्चा आपकी दादी के जैसा दिखता है, ये नानी के जैसा दिखता है. हम क्यों बोलते हैं, इतना नन्ना सा बच्चा अभी अभी नहीं, जुमा जुमा जन्म हुआ है उसका, लेकिन हम उसको ये इसके विषय से, बिकॉज वो फैमिली की जीन्स उस बच्चे के अंदर आती है. ठीक है. सिमिलरली अगर हम सोर्स से आए हैं, हम जहां से भी आए हैं, वहां के थोड़ा थोड़ा वहां का अंश हमारे अंदर है, इस बात को तो हम डिनाई कर ही नहीं सकते. करेक्ट. सो हमारे अंदर वो डिविनिटी है, वो डिवाइन पावर है, पहले इसको एक्सेप्ट करो. चलो आप इसको माने ना माने, जस्ट बिकॉज आई एम सेइंग एक्सेप्ट कि आपके अंदर डिवाइन पावर है. आप उसको आजमा के देखिए बाद में. तो ये अगर डिवाइन पावर है तो इस डिवाइन पावर के साथ में कनेक्ट कैसे हो जाएंगे? डिवाइन पावर के साथ आपको कनेक्ट करना है, बिलीव इट, बिलीव करें ना करें इससे मुझे कुछ नहीं, आप अभी से शुरू करिए. जस्ट स्टार्ट टॉकिंग टू द डिवाइन पावर. अगर आप हैं अंदर, हर इंसान किसी ना किसी फॉर्म को पूछता है, चाहे वो लिविंग गुरु हो, नॉन लिविंग गुरु हो, चाहे वो कृष्ण हो, चाहे वो शिव हो, या माता हो, काली हो, दुर्गा हो, किसी ना किसी डिवाइन फॉर्म को हर इंसान मानता है. अगर किसी चीज को नहीं मानता, फॉर्म को नहीं मानता, तो नेचर को डेफिनेटली मानता है, या किसी कॉस्मिक पावर को हर इंसान, एथिस्ट अगर है अभी तो एटलीस्ट कॉस्मिक पावर को तो हर कोई मानता है. करेक्ट. तो इस कॉस्मिक पावर को या डिविनिटी को आप कनेक्ट करिए. कनेक्ट करना मतलब क्या, उसके साथ 24/7 टॉक, कॉन्वर्स, क्रिएट दैट बॉन्ड. हाउ डू क्रिएट अ बॉन्ड? अभी आपकी मेरी फिजिकली मुलाकात हुई नहीं है, फिर भी आपके और मेरे अंदर एक बॉन्ड ऑटोमेटिकली हो गया. करेक्ट. वी जस्ट डिड वन इंटरव्यू बट स्टिल देयर इज अ बॉन्ड. आई हैव सब्सक्राइब टू योर वीडियो चैनल्स, आई वॉच देम, यू हैव सब्सक्राइब टू माइन, यू मस्ट बी वॉचिंग. एक बॉन्ड ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गया. बिल्कुल. तो आप डिवाइन के साथ इस तरह से बॉन्ड नहीं क्रिएट कर सकते. जस्ट स्टार्ट टॉकिंग टू यू मीन मधुरा जी, आपका मतलब है कि हमारे सबके अंदर एक डिवाइन है, शक्ति है. और बहुत से लोग ये भी सोचते हैं साथ ही साथ कि स्पिरिचुअलिटी जो है वो काइंड ऑफ रिलीजन है. जैसे आप कहते हैं एक बॉन्ड होना, तो बहुत से लोग जब पूजा करते हैं, जो कृष्ण भगवान को मानते हैं या राम जी को मानते हैं, हनुमान जी को मानते हैं, वो उनके साथ एक बॉन्ड बना लेते हैं और उनके साथ बातें करते हैं. तो क्या वो स्पिरिचुअलिटी है या क्या वो एक रिलीजन है? See, there's a very thin line between religion and spirituality. Now, according to me, religion is ritualistic. अच्छा? Now, इसका मतलब ये नहीं कि मैं rituals नहीं करती हूँ. मैं भी पूजा पाठ करती हूँ, मैं भी हवन करती हूँ, सारी चीजें मैं भी करती हूँ. Difference सिर्फ ये है कि मेरा bond है, मैं इसके लिए करती हूँ. मैं उस bond से करती हूँ, मैं उस प्रेम से करती हूँ. लोग ऐसे ही फॉलो करते हैं, बिकॉज यू आर डूइंग इट, आई विल डू इट. आपने आप 108 बार शिव की माला, जप माला की और आपके साथ ये चेंजेस हुआ, तो मैं भी कल से. नॉट बिकॉज यू लव शिव, दैट इज द डिफरेंस. अगर एक दिन मुझे ये नहीं हुआ मेरे से, अगर रिचुअल्स कुछ किसी कारण, तो मुझे उसका दुख नहीं होता. बट इफ यू आर डूइंग रिचुअल्स जस्ट बिकॉज इट इज अ बंधन ऑन यू, समबडी हैज टोल्ड यू टू डू, then guilt आ जाता है. So don't do it as rituals, do it because you love your divine. So that is the difference. Okay. So spiritual होने के फायदे क्या हैं? क्या इसके लिए हमें किसी गुरु को बनाना बहुत जरूरी है? कोई मास्टर होना चाहिए जिसके पाथ पर हम चल पाएं, या जो हमें रास्ता दिखाएं कि इस रास्ते पर चलें? और spirituality में भी पहले अध्यात्म को समझना बहुत जरूरी है, तो वो चीज भी अगर आप हमें एक्सप्लेन करें तो हमारे सभी साथियों को अच्छा लगेगा. स्पिरिचुअल होने का फायदा क्या है? मैं ये उल्टा जवाब आपको पूछ लूंगी कि स्पिरिचुअल ना होने के बहुत नुकसान है.
आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी, पूरी की पूरी लाइफ, आपका परसेप्शन चेंज हो जाता है, दुनिया की तरफ देखने का नजरिया ही बदलता है। आप जजमेंटल, नॉर्मली क्या होता है, हम जजमेंटल हो जाते हैं बहुत आसानी से, इसने मेरे साथ ऐसे किया, उसने ऐसा किसे बिहेव किया, हर चीज का जजमेंट, कोई भी चीज हम बर्ड्स आई व्यू से नहीं देखते हैं। सो तकलीफ किसको होती है, वी कांट फॉरगिव इजिली, वेरी बिग प्रॉब्लम इज वी कांट फॉरगिव एनीबॉडी इजिली। तो लोगों को माफ करना सीखो, इम्पॉसिबल इट इज, तो इट इज इम्पॉसिबल एब्सोल्युटली टू फॉरगिव पीपल इजिली। सो यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी आपको काम आती है। अभी स्पिरिचुअलिटी में चलने के लिए मेरे हिसाब से मेरे लिए एक लिविंग मास्टर होना बहुत जरूरी था। आई हैड थ्री लिविंग मास्टर्स इन माय लाइफ, नाउ इट इज मैत्रेय दादाश्री जी, बट मुझे ऐसे हमेशा लगा कि विदाउट अ लिविंग मास्टर आई कैन नॉट फंक्शन स्पिरिचुअली, बिकॉज रूबरू बात होती है आपकी आपके मास्टर के साथ, कोई आपका हाथ पकड़ के चलने वाला होता है, कोई आपको रास्ता दिखाने वाला होता है। अभी आप साईं बाबा को माने, नॉन लिविंग मास्टर, या स्वामी समर्थ को माने, या शिव जी को माने, गणेश जी को माने, हनुमान को माने, आपको मालूम नहीं है जब आपकी कोई प्रॉब्लम होती है तो आपको वो जवाब एक्चुअली दे रहे हैं कि नहीं दे रहे, इसकी द्विधा होती है मन में। यहाँ पे इट इज देयर, ही इज देयर फॉर यू टू गाइड यू, दैट इज द डिफरेंस लिविंग मास्टर का होना जरूरी मेरे लिए। मैं ऐसे नहीं है कि मेरे नॉन लिविंग कोई नहीं है, मैं बाबा की, साईं बाबा की ऑलमोस्ट 40 इयर्स से आई एम बीन वर्शिपिंग साईं बाबा, तो वो भी है, बट फॉर मी इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट दैट द लिविंग मास्टर वॉज देयर, बिकॉज हमने जो भी प्रोसेसेस किए मैत्री बोध परिवार में, जो भी हुआ वहां पे हमारे लिविंग मास्टर मैत्रेय दादाश्री जी ने खुद हमको शक्ति प्रवाह दिया, खुद हमारे साथ बैठे, खुद हमारे सवाल जवाब सुने। रूबरू जब आप किसी को सुनते हैं, रूबरू आप किसी को मिलते हैं, तो एक अलग सा वो हो जाता है। नॉन लिविंग ही स्टिल बिकम्स फिक्शनल अ लिटिल बिट, नो? ये वही बात हो जाए तो बलिहारी गुरु आपने जिसने गोविंद दिए मिलाए, तो वही बात होगी कि गुरु के बिना कुछ नहीं होता, तो लिविंग मास्टर का होना बहुत जरूरी है। गुरु बिना ज्ञान कहाँ से? हाँ जी, ज्ञान उन्हीं से प्राप्त होता है। तो अगर दादाश्री के बारे में थोड़ा सा हमें बताएं कि अगर जो आपके मैत्री बोध परिवार के साथ जुड़ना चाहते हैं उन्हें आप क्या कहेंगे, किस तरह से वो इस परिवार के साथ जुड़ सकते हैं? मैत्री बोध परिवार का एक वेबसाइट है www.maitribodh.org। आपके लंदन में बहुत सारे लोग हैं जो अभी इसके ऊपर भी है अपने प्लेटफॉर्म में, लीना है, ऐश्वर्या है, ये सारे मैत्री बोध से जुड़े हैं। आप वेबसाइट पे जाएं, आपको एक फ्लायर पे जो आएगा फ्लायर, तो उसको इन दोनों का नंबर भी मिलेगा, अगर चैट में भी नंबर मिलेगा, आप इन दोनों को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। एंड मैं बिकॉज आई एम कनेक्टेड टू मैत्री बोध, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको कनेक्ट होना चाहिए मैत्री बोध से, लेकिन यहाँ पे एक चीज है, मैं क्यों यहाँ पे कनेक्ट हुई, मतलब 35 years of my journey मैं कहाँ कहाँ नहीं गई हूँ, तो मैं यहाँ पे चिपक क्यों गई? बिकॉज जो चीजें मैं ढूंढ रही थी इतने सालों से, जो मुझे चाहिए था, वो ट्रांसफॉर्मेशन जो मुझे चाहिए था, वो परिवर्तन जो मुझे चाहिए था, जो मुझे खुद को भी नहीं समझ में आ रहा था क्या चाहिए था, किस तरह का परिवर्तन मुझे चाहिए था, जो यहाँ आके दादाश्री जी के प्रोसेसेस करके, जो मैं आगे भी बताऊंगी आपको, ये प्रोसेसेस करके जो चेंजेस मेरे अंदर आए, या जो परिवर्तन जो मैंने सोचा भी नहीं था, मुझे पता भी नहीं था क्या होने वाला है, लेकिन जो परिवर्तन मैंने यहाँ आके अनुभव किया, इतने सालों की मेरी स्पिरिचुअल जर्नी में मैंने कहीं नहीं एक्सपीरियंस किया। किस तरह के परिवर्तन, अगर आप बताना? द मेन यूएसपी ऑफ मैत्री बोध परिवार इज टू चेंज द माइंड एंड टू चेंज द हार्ट। आपके माइंड का ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए, जिस तरह से आप जैसे बोले कि मुझे नींद नहीं आती, क्यों? मेरी बेटी की चिंता है, मेरे हस्बैंड की चिंता है, मेरे जॉब की चिंता है, कुछ चिंता है, तो ये माइंड में जब परिवर्तन आता है, एंड व्हेन यू आर कनेक्टेड टू द डिवाइन, आपकी वो चिंता दूर हो जाती है, मुझे देखने वाला है कोई, वो देख लेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको ही सिर्फ चिंता है, चिंता हमें भी है, सबको है,
दुनिया में सभी को चिंता है, सभी को प्रॉब्लम्स है, लेकिन क्यों कुछ लोग उससे आसानी से निकलते हैं बाहर, कुछ लोग उसी में घुसे रहते हैं, मतलब बिल्कुल अंदर चले जाते, घुस जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ये इसीलिए होता है कि हम हमारा उस प्रॉब्लम को या चैलेंज को देखने का नजरिया, मेरा एटलीस्ट नजरिया बहुत अलग है। मैं उसको एक चैलेंज की तरह देखती हूँ, एक प्रॉब्लम की तरह नहीं देखती हूँ। चिंता मुझे भी सताती है, लेकिन मुझे उस प्रॉब्लम का हल मिल जाता है, मुझे उनकी आवाज कानों में इतनी क्लियरली सुनाई देती है। नेक्स्ट डे आई नो व्हाट आई हैव टू डू इफ देयर इज अ प्रॉब्लम इन इन इफ देयर इज अ चैलेंज इन फ्रंट ऑफ मी, आई नो इट। सो एक जो रिलीज है ना, एक रिलीफ है कि नहीं मुझे देखने वाला कोई है, इतनी चिंता मैं क्यों करूं। मधुरा जी, आप खुद दादाश्री जी से मिली हैं और मिलती हैं, और आप खुद भी हमें स्पिरिचुअल यू नो बताती हैं, पाक दिखाती हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे होंगे कि उनमें क्यूरियोसिटी होगी, हम दादाश्री से कैसे मिल सकते हैं? तो क्या दादाश्री जी से मिलना आसान है? उनसे कोई भी जाकर मिल सकता है? और क्या वहाँ जाना बहुत जरूरी है, या फिर उनसे हम जैसे आजकल यू नो सिचुएशंस ऐसी हैं तो हम उनसे रास्ता टाइम कर सकते हैं, उनसे कनेक्ट हो सकते हैं? उनसे मिलना आसान नहीं है, और वो हमेशा कहते हैं मेरी फिजिकल फॉर्म से अटैच ना हो, उनका एस्ट्रल फॉर्म इज मच मोर पावरफुल देन हिज फिजिकल फॉर्म। इनफैक्ट हर ईश्वर का भी, जब कृष्ण एक्चुअली थे तब उनको किसी ने पहचाना नहीं, After him, Krishna became Lord Krishna. Sai Baba, when he was there, people ridiculed him. Only after he was gone, because after they are gone, the astral form is very big. Now they are non-living. Here, the living guru has also an astral form. So Dadashri ji says, don't connect, don't be so attached to my physical form. I am much more powerful in my astral form. So connect with his astral form. You don't have to meet him. और ऐसा भी नहीं है कि हम उनको हमेशा मिलते, मिली हूँ इतने सालों में, ऑफकोर्स कई बार, बट ऐसा नहीं है कि हम भी उनको कभी हमारा मन चाहे तो मिल सकते हैं। एंड देयर इज नो नीड, सो डोंट गेट अटैच्ड टू हिज एस्ट्रल फॉर्म, ही इज मच मच मोर पावरफुल। आई मीन, डोंट गेट अटैच्ड टू हिज फिजिकल फॉर्म, ही इज वेरी पावरफुल इन द एस्ट्रल फॉर्म, इन द एस्ट्रल फॉर्म। सो जैसे कि आपने कहा कि एक लिविंग मास्टर होना बहुत जरूरी है, तो दादाश्री जी से मिलना असंभव है या बहुत कठिन है, लेकिन आप जैसे आप परिवार के साथ जुड़े हैं, मैथिली परिवार के साथ जुड़े हुए हैं, तो यू प्रीच पीपल एज यू आर डूइंग इट नाउ, तो आपसे मिलना, आपसे वन टू वन किसी ने कनेक्ट करना हो, किसी ने कहा कि हमें उनसे कोई सलाह लेनी है, उनसे पूछना है कि कैसे हम अपनी डिवाइन शक्ति को पहचाने या किस तरह से हम आगे बढ़े, तो उन्हें क्या करना चाहिए? मुझसे अगर मिलना है तो मेरी वेबसाइट है www.smitajaikar.com, मेरी वेबसाइट है। और अगर आपको ऐश्वर्या और लीना के साथ मिलना है, मतलब मैत्री बोध परिवार के साथ जुड़ना है आपको, तो आप इन दोनों को कांटेक्ट करके मैत्री बोध परिवार से जुड़ सकते हैं। See, like in Lina has this soul nourishing center in London. Okay. If people want to connect, they can always connect to her through the soul nourishing center through Maitri Bodh Parivar. और मैं आपको एक ये सलाह, जो ये जो platform में है, मैं आपको ये सलाह दूंगी कि आप Maitri Bodh से अगर जुड़ेंगे तो ये एक 6 महीने आप अपने आप को दीजिए, just give 6 months. And you will see the difference in your life. ये मेरी guarantee है। लेकिन आप जुड़े तो सही। और दादाश्री जी ये भी कहते हैं कि जरूरी नहीं है कि आपको मुझे प्रे करना है, जरूरी नहीं कि आपको मुझे फॉलो करना है, नो। ये भी वो कहते हैं कि आई डोंट इवन वॉन्ट यू टू एक्नॉलेज मी, ये भी जरूरी नहीं। उनका सिर्फ ये कहना है कि आप जो मैत्री बोध के प्रोसेसेस हैं, वो प्रोसेसेस के थ्रू जाइए, उस प्रोसेसेस के थ्रू जब आप जाएंगे तो ये परिवर्तन होना ही है, ये आप खुद एक्सपीरियंस करके देख सकते हैं।
बहुत अच्छी बातें आज के प्रोग्राम में आपने हमें बताई हैं, और सबसे बड़ी बात ये कि किसी भी लिविंग मास्टर को अपना गुरु बनाना या उनके चलाए पाथ पर चलना बहुत जरूरी है, और अपने आप को शांत रखें अपने आप पर। अब जब आप किसी स्पिरिचुअल चीज के साथ जुड़ जाते हैं, स्पिरिचुअली आप अवेक हो जाते हैं, अवेयरनेस आ जाती है, तो उसके बाद सभी काम आसान होने शुरू हो जाते हैं। मधुरा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और अगले हफ्ते फिर से कुछ और बातें होंगी आप ही के साथ, तो मेरा भी आप साथ दीजिएगा। और मैं अपने सभी व्यूअर्स से भी यही कहूंगी कि अगले हफ्ते सोलफुल मंडे में एक बार फिर से स्मिता जयकर यानी कि मधुरा जी हमारे साथ होंगी, जो बोध परिवार के साथ जुड़ी हैं और उसके बारे में हमें जानकारी। नमस्कार।